Hello everyone, welcome you all. So in this video we are going to discuss about the currently very highlighted topic, that is MSP, that why MSP is an important. So in yesterday's video, yesterday's The Hindu newspaper, an article was published on MSP, and हम इसमें देखेंगे कि जो MSP है उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्यों जो है MSP इतना जो है हाईलाइट किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, जो एक फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें फार्मर्स बार बार MSP का जिक्र कर रहे हैं। तो ये MSP क्या है, MSP का इम्पोर्टेंस क्या है, MSP का क्या लेना देना है फार्मर प्रोटेस्ट से, MSP सरकार ने क्यों लागू किया, तो ये सब कुछ बातें हैं जो हम डिटेल में देखेंगे। हम उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, इस वीडियो को। तो फर्स्टली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि MSP है क्या। जो MSP है वो उसकी जो फुल फॉर्म है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसकी जो फुल फॉर्म है। तो चलिए अब इस वीडियो का जो है डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि जो MSP है वो क्यों लाया गया, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्या वजह थी जो उन सब उस समय की जो सरकारें थी उनको जो है वो MSP लाना पड़ा। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में इतनी ज्यादा जो फूड की जो है वो सरप्लस नहीं था, फूड ज्यादा नहीं था, फूड की जो है वो काफी ज्यादा जो है शॉर्टेज थी। तो इस शॉर्टेज को दूर करने के लिए उस समय की सरकारों ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई, कुछ ऐसी पॉलिसीज, जिससे जो है वो एग्रीकल्चर पे है जो काफी ज्यादा जो है ध्यान दिया गया। तो उसके साथ ही जो है वो एक हाई वैरायटीज जो सीड्स थे उनका जो है वो चलन शुरू हुआ। तो उस चलन के साथ ही जो है वो उस चलन को नाम क्या दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन है जो वो उसका नाम दिया गया, उसकी शुरुआत हुई। तो ये शुरुआत कब हुई थी, ये शुरुआत हुई थी 1960 में, 1960s में इसकी जो है वो शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत होने के साथ ही जो फूड रिजर्व्स हैं और जो फूड प्रिवेंट करने के लिए जो शॉर्टेज थी उसको दूर करने के लिए जो इंडिया ने इसकी शुरुआत की, तो फाइनली उस चीज को जो है वो MSP सिस्टम है जो वो स्टार्ट हुआ। पहला जो MSP जो लगाया गया था वो वीट पे लगाया गया था, वो वीट पे लगाया गया था। तो फर्दर जब सरकारें जब चेंज होती गई, जब ये चीज बढ़ती गई, तो इस चीज को जो है वो एक्सपेंड किया गया, फर्दर एक्सपेंड किया गया। इसके साथ में एक वजह ये भी थी कि उस समय सरकारों को ये डर था कि जो फार्मर्स हैं अगर उनको गारंटेड प्राइस नहीं मिलेंगे तो वो किसी और सेक्टर में शिफ्ट ना हो जाए, और उनके किसी और सेक्टर में शिफ्ट होने से जो है वो एग्रीकल्चर को है वो नुकसान काफी हो सकता था। तो एक रीजन तो इसका ये भी था कि उस समय की सरकारों को जो है वो MSP जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ा था। तो दूसरा उसका ये कंसर्न था कि उस टाइम पे जो है वो प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत होता था, और प्राइस फ्लक्चुएशन अभी भी होता है। तो उससे क्या होता, वो क्यों होता है, क्योंकि एक तो हमारा देश में आप जानते ही होंगे कि ड्रॉट्स की समस्या काफी ज्यादा है, एक तो ये चीज आ गई, और आपको पता ही होगा कि हमारे भारत में जो है फ्लड्स की वो जो है काफी एक प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो। तो इससे है जो वो एग्रीकल्चर को है वो काफी नुकसान होता है, जिससे जो प्राइस की जो कमोडिटीज की जो प्राइस है वो काफी एक हाई प्राइस हो जाते हैं। तो एक तो वो चीज आ गई, और तीसरी ये चीज आ गई कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस होते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जरिए जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है उसको भी जो कर्व करने के लिए, उसको भी जो रोकने के लिए है, ये MSP का एक ऐसी जो पॉलिसीज हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसीज हैं, उनका ये रोल है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि MSP जो है वो असल में MSP है क्या चीज। तो MSP जैसा मैंने आपको बता दिया कि जो MSP है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो ये जो है वो मार्केट में जो इंटरवेंशन होती है किसकी जो होती है, वो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है। तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है जो एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस होती है तो उसके जो है वो शार्प उसका जो फॉल ना हो जाए, उसका जो प्राइस है, जो प्रोड्यूस का जो प्राइस है
वो एकदम से है जो वो नीचे ना गिर जाए, अगर वो गिरता भी है तो उसको सेव करने के लिए वो सरकार जो है वो फार्मर्स को जो है वो एमएसपी देती है। तो जो एमएसपी, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एमएसपी सरकार जो है वो अनाउंस कब करती है। तो जो सरकार है वो एमएसपी अनाउंस तब करती है सीजन की शुरुआत में, जब खेती की शुरुआत होने लगती है, तो उसके साथ ही जो है वो सरकार जो है वो एमएसपी का एक पूरा लिस्ट जारी कर लेती है कि इस लिस्ट में जो है वो इतने इतना बेसिक प्राइस जो है वो किसी क्रॉप का होगा। तो ये अब यहाँ पे सवाल ये आता है, ये जो इसकी रिकमेंडेशन है वो कौन देता है। इसकी रिकमेंडेशन जो है वो सीएसीपी देती है। तो ये अब सीएसीपी क्या है, सीएसीपी है जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अब इसका काम ये है, इसका काम यहाँ पे ये है कि जो ये कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, उसको कैलकुलेट करके जो है वो एमएसपी बनाते हैं, एमएसपी फॉर्म करते हैं, और बेसिक प्राइस हैं जो वो बताते हैं कि किस किस प्राइस पे है, जो कौन कौन सी क्रॉप जो है वो बिकनी चाहिए और क्या क्या लागत आएगी किसानों को इस क्रॉप को बेचने के लिए। तो उसी उसका ही जो मिनिमम प्राइस होता है उसको जो है वो किसानों के लिए फिक्स कर देते हैं, ताकि किसानों को जो है वो कोई नुकसान ना हो, उनको किसी नुकसान से, किसी लोन से जो है वो गुजरना ना पड़े और उनका जो है वो फायदा ही हो। तो ये जो बॉडी थी ये 1985 में बनाई गई थी। तो जैसे कि आपको बता दिया कि वो कुछ फॉर्मूलेस वगैरह करते हैं, तो वो फॉर्मूलेस किस किस पे बेस्ड होते हैं, वो फॉर्मूले उन्होंने कहाँ से लिए। तो वो फॉर्मूले जो है वो उन्होंने जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो ली थी एक स्वामीनाथन कमेटी थी। अब ये स्वामीनाथन कमेटी क्या है ये आप खुद देखेंगे, और सीएसीपी भी आप देखेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके जो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये आपका होमवर्क रहा, आप इस चीज को है जो वो खुद देखेंगे। हाँ, तो अभी मैं आपको सिंपली यहाँ पे स्वामीनाथन कमेटी के बारे में ये बता देता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने एक पैनल फॉर्म किया था फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो इन कमेटीज ने कुछ रिकमेंडेशन भी दी थी, तो वो रिकमेंडेशन आपके जो मेन मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि जो एमएसपी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या उसके मेजर कंसर्न्स हैं, क्यों जो एमएसपी है उसका क्या क्या जो फायदे हैं। तो पहला कि आपको बता ही दिया, टू सपोर्ट द फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल्स। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कौन सी डिस्ट्रेस सेल। देखिए, अगर किसी किसान ने कोई फसल बोई है तो उसका जो कॉस्ट आई थी उसको वो 100 रुपीज आई थी। तो उसको जो कॉस्ट आई थी वो कितनी आई थी, 100 रुपीज आई थी। तो किसान को जो है वो नुकसान ना हो, सेल डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए जो है वो बस 100 रुपीज से कम नहीं होना चाहिए, 100 रुपीज से ज्यादा ही हो तो उस डिस्ट्रेस सेल को दूर करने के लिए जो वो एमएसपी जो है वो सपोर्ट करता है। प्रोक्योर फूड ग्रेन्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरकार यहाँ पे ये करती है कि जो एमएसपी जब लगाती है तो उस पे जो फूड को प्रोक्योर करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, तो इन केस ऑफ मार्केट प्राइस फॉर कम्योडिटी फॉल बिलो द एनुअल अनाउंस्ड मिनिमम प्राइस ड्यू टू बम्पर प्रोडक्शन एंड ग्लूट इन द मार्केट, सो गवर्नमेंट एजेंसीज परचेज इंटायर क्वालिटी ऑफर्ड बाय द फार्मर्स एट द अनाउंस मिनिमम प्राइस। ओके, तो जैसा कि अगर सरकार ने किसी एक कॉमोडिटी का या किसी भी एक कोई भी एक कॉमोडिटी है, अगर उसका सरकार ने एक मिनिमम प्राइस जो है वो अनाउंस किया है, वो प्रोडक्शन जो है वो सरप्लस में चली गई, वो इतनी ज्यादा हो गई है कि हर एक किसान ने वो चीज उगाई है, तो गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करेंगी, फार्मर को नुकसान से बचाने के लिए वो जितनी भी क्रॉप होगी जो सरकार ने वो प्राइस जो अनाउंस किया था सीजन के स्टार्टिंग में, तो उसी प्राइस पे जो है सरकार वो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो पूरा का पूरा जो है वो मार्केट से वो सामान उठा लेगी और फिर इसको कोल्ड स्टोरेज में रखेगी, उसको स्टोर कर लेगी, और फिर इस जो सरकार ने जो ये कॉमोडिटीज जो है वो उठाई होंगी, तो वो सरकार फिर अपने जो है वो सरकार वो देखती है कि किस किस को कैसे कैसे वो देना है, वो सरकार की जिम्मेवारी होती है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि करंटली जो एमएसपी का जो ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो बेसिकली जो करंटली जो एमएसपी है वो 23 कमोडिटीज को जो है वो इंक्लूड किया गया है।
इसमें जो सेवन सीरियल्स है, फाइव पल्सिस हैं, एट ऑयल सीड्स हैं, कॉपरा है, रॉ कॉटन है और रॉ जूट है। तो ये आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। कभी कभी जो है वो काफी देखा गया है कि जो यूपीएससी है वो एग्जाम में ऐसी चीजें पूछती हैं, खासकर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ऑप्शंस आते हैं, पांच या छह ऑप्शन आते हैं, तो उसमें से आपको देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये चीजें आपको थोड़ी हैं जो वो याद होनी चाहिए। हालांकि ये जो सीजनली सीजन वाइज है वो सरकार तो है वो सीजन में सीजन सीजन वाइज जो है वो डाटा निकालती है। तो अगर कोई एग्जाम 2021 में दे रहा है प्रीलिम्स का, तो उसको जो है वो इकोनॉमिक सर्वे जो 2021 का आएगा और उस सीजन में जो क्रॉप्स होंगी उसमें लिस्ट जो होगी वो आप देख लीजिएगा, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। लेकिन जो ऐसे एक ब्रॉड वे में जो 23 कमोडिटीज हैं उनको इंक्लूड किया, तो वो ये कमोडिटीज हैं। तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और इसको नोट डाउन कर लीजिए। एसपी के कुछ और फायदे ये हैं कि वो जो टू फुलफिल द फॉलोइंग फॉलोइंग पर्पस, ओके, टू इंड्यूस मोर इन्वेस्टमेंट, टू इंड्यूस मोर इन्वेस्टमेंट बाय फार्मर्स इन द फार्म सेक्टर। अब इसका यहाँ पे ये मतलब है कि एमएसपी सरकार इसीलिए लगाती है और इसीलिए फिक्स करती है ताकि जो किसान है वो एक अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो और ज्यादा जो है वो फार्मिंग में करे। तो इससे किसान को मोटिवेशन मिलेगा, वो नई नई टेक्निक्स बताएगा, नई नई टेक्निक्स जो है वो लाएगा अपनी फार्मिंग में, जिससे है वो उसकी प्रोडक्शन होगी, उसकी जो प्रोडक्शन होगी तो उसकी जो सेल्स होंगी वो बढ़ेंगी। जब उसकी सेल्स बढ़ेंगी तो उसको है जो वो इनकम जो है वो इनकम की जो है फार्म की फार्मर की जो इनकम है वो बढ़ेगी। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक रखी है, एक टारगेट रखा है कि जो फार्मर की जो इनकम्स है, फार्मर की जो इनकम है उसको डबल करना, उसको डबल करना। तो जो एमएसपी जो प्रेजेंटली है, जो ये डाटा जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। अब यहाँ पे सरकार ने ये चीज की थी कि जो एमएसपी है उसको जो है वो 50% लगाया गया था अबव द प्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी सिंस फ्रॉम 2018-19 के बीच में। तो सर तब से सरकार ने ये किया है कि जो कमोडिटी है जब वो लगाई जाएगी तो जो उसकी कॉस्ट होगी उसका 50% जो है वो उसकी प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन कॉस्ट का जो 50% होगा उस पे जो है वो एमएसपी लगाई जाएगी। तब से 2018-19 से ऐसा ही चलता आ रहा है। तो जो न्यू एमएसपी है जो फिक्स्ड बाय, जैसे कि आपको बता ही दिया कि सीएसीपी है जो वो इसकी जो कॉस्ट है उसकी प्राइस है वो जो वो एमएसपी की है जो वो ही डिसाइड करते हैं। तो इसको जो कैसे डिसाइड करते हैं कि जो एक फॉर्मूला इसका क्या है, कॉस्ट ऑफ A2 एंड कॉस्ट ऑफ A1। जो कॉस्ट ऑफ A2 है उसमें ये चीजें आती हैं जो फार्म सीड्स पे खर्चा करते हैं, फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड्स पे, हायर्ड लेबर लेबर जो हायर करते हैं, वो जो जमीन जो है वो लीज पे, अगर किसी किसान ने जमीन है जो वो लीज पे दी है ली है, फ्यूल पे, इरिगेशन पे, तो ये सारा मिला के कुछ जो है वो उसको A2 में गिना जाता है। जो F1 होता है वो इम्प्यूटेड जो है वो कॉस्ट होती है। अब इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है, जो इनडायरेक्टली जो इनका खर्चा होता है, इनडायरेक्टली जो खर्चा नहीं कह सकते, एक किस्म का उसको एसईडी कहते हैं, तो उसको एक इम्प्यूटेड कॉस्ट माना जाता है। तो उस इम्प्यूटेड कॉस्ट को भी इसमें गिना जाता है। लेकिन कुछ जो फार्मर एक्टिविस्ट्स हैं वो ये डिमांड करते हैं कि जो कॉस्ट C2 है उसको जो है वो लगाया जाना चाहिए, और वो कैसे लगाया जाना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव जो कॉस्ट है उसको लगाया जाना चाहिए, और कॉस्ट रेंटल होना चाहिए, और इंटरेस्ट ऑन द ऑन लैंड इनकी खुद की जमीन पे है जो वो होना चाहिए। तो ऐसा कुछ जो है वो सिस्टम है। अब जो ये एक्सपर्ट्स का ये मानना है, एक्सपर्ट्स ने ये कंक्लूड किया है कि जो एमएसपी है जो पैडी का है वो जो सरकार ने 1750 पर क्विंटल रखा है अगर हम A2 और F1 को मिलाएं। लेकिन अगर जो एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि उसकी कॉस्ट जो है वो अराउंड 2340 होनी चाहिए, 2340 रुपए पर क्विंटल होनी चाहिए उसकी कॉस्ट। और ये कैसे होनी चाहिए, अगर कॉस्ट C2 जोड़ते हैं, तो ये एक्सपर्ट का ये मानना है। तो
कॉस सी टू में क्या आता है, जो इनडायरेक्टली जो चीजें आती हैं वो फैमिली लेबर है। फैमिली लेबर क्या होती है कि जैसे अगर फैमिली में पांच इंसान है तो दो इंसान जो है वो खेती से जुड़े हुए हैं, जो तीन की इंसान है वो उनकी हेल्प में अगर वो वहां पे जाए तो उसको है जो वो फैमिली लेबर में गिना जाता है। तो जो इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओन लैंड है, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑन द ओन कैपिटल है, तो ये सारी चीजें हैं जो सी टू में जो गिनी जाती हैं। तो जो नेशनल एक कमीशन बनी थी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, जो अमित स्वामीनाथन की जो कमीशन बनी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था जो 50% ऑफ द मार्जिन होना चाहिए सी टू पे, विच इज बीइंग द डिमांड ऑफ द फार्मर्स। और फार्मर्स की भी यही डिमांड है, फार्मर्स भी यही कहते हैं कि जो अमित स्वामीनाथन की जो रिकमेंडेशन है उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए यहाँ पे। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ लिंक हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, आप हमें टेलीग्राम, आप हमें इंस्टाग्राम और आप हमें ट्विटर पे भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन है जो वो उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले आने वाले और भी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, वो आपको टाइम टू टाइम है जो उनका नोटिफिकेशन आता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।